What's up, ladies and gentlemen? Esports 360 के एक और नए और exciting episode में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के episode की शुरुआत में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्यों Battlegrounds मोबाइल emulator पे हमको नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन के ऊपर जो हमको नजर आ रहा है टीम IND और PV Esports के बीच में। एंड फिर लेडीज एंड जेंटलमैन हम नजर डालेंगे गॉडलाइक के वैलोरेंट रोस्टर के डिसबैंडमेंट के ऊपर और किस तरह से हमको अब ऑफिशियली डेथ मेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं वेलोसिटी गेमिंग की तरफ। सो वी हैव अ लॉट टू डिस्कस। दिस इज सुपर जॉनी एंड यू गाइस आर वॉचिंग Esports 360। क्राफ्टन ने ये रिसेंटली अनाउंस किया है कि बैकग्राउंड्स मोबाइल इंडिया पे एम्यूलेटर सपोर्ट हमको नहीं देखने को मिलेगा और इसके पीछे का रीजन उन्होंने ये बताया। क्राफ्टन ने कहा है कि मोबाइल एनवायरनमेंट और एम्यूलेटर एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मोबाइल यूजर्स के पास चीटिंग और फॉल्सिफिकेशन के चांसेस कम हैं, जबकि एम्यूलेटर में ये सब ट्रैक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से क्राफ्टन को ये कदम उठाना पड़ा। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि आने वाले फ्यूचर में भी वो एम्यूलेटर सपोर्ट देने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। The justification given right here seems pretty legit, क्योंकि emulators पे hackers को track कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और hackers की कमी है कहाँ हमारे पास। और अब आ रही है सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी कि टीम IND collaborate कर चुकी है PV Esports के साथ, जो टीम का मैनेजमेंट संभालने जा रही है। क्रेटोस से जब हमारी बात हुई इस पर तो उन्होंने कहा कि PV Esports के साथ टीम का फ्यूचर विजन अलाइन हो रहा था और ये काफ़ी अच्छा समय था कोलैबोरेट करने का, क्योंकि टीम IND को एक स्टेबल मैनेजमेंट की ज़रूरत है एंड PV Esports जस्ट हैपेंड एट द राइट टाइम। PV Esports कुछ टाइम से टूर्नामेंट होस्ट कर रहा था और अब जाकर उन्होंने ये सॉलिड स्टेप लिया है अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। सो बेस्ट विशेस टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस इन दिस पार्टनरशिप और उम्मीद रहेगी कि दोनों की तरफ से हमको एक काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर रिजल्ट्स देखने को मिले। एंड अनदर ब्रेकिंग न्यूज़ लेडीज एंड जेंटलमैन, गॉडलाइक अपना वैलोरेंट रोस्टर डिसबैंड कर चुकी है, तो चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। गॉडलाइक ने हाल ही में अपना इंस्टाग्राम हैंडल से ये अनाउंस किया है दैट दे आर पार्टिंग वेज विद देयर वैलोरेंट रोस्टर। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन ने इसका रीजन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स बताया है, बट रिसेंटली क्रॉन्टन ने ये क्लैरिफाई किया कि परफॉर्मेंस वोज और रोस्टर शफल्स के चलते टीम में काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंसेज आ गए थे, जिसकी वजह से रोस्टर को डिसबैंड करना पड़ा। लेकिन यहीं पर क्रॉन्टन ने यह भी बताया है कि आने वाले समय में कंटेंट क्रिएटर्स और गॉडलाइक टीम को लेकर अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं। आई हैव टू से आई पर्सनली लव्ड दिस लाइनअप, क्योंकि इस टीम में काफ़ी सारे लेजेंड्स भरे हुए थे। एंटीडोट, हेवान, रेक्सी, डेथमेकर। एंड डेथमेकर की बात कर रहे हैं तो ये ऑफिशियल हो चुका है दैट ही हैज जॉइंड वेलोसिटी गेमिंग। आई थिंक ये भी कोई सीक्रेट नहीं था कि DM वेलोसिटी जा रहे हैं। क्रॉन्टन ने भी काफ़ी साफ कर दिया था कि उनकी सेंटिनल से बात हुई थी रिगार्डिंग DM's बायआउट। बस BCC खत्म होने की देरी थी एंड इट हैज हैपेंड। द लेजेंडरी असैसिन विल बी जॉइनिंग फोर्सेस विद अमातेरासु, राइट टू एस, मार्जिल, हेलेफ एंड विबोर। आई थिंक डेथमेकर इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फ्रॉम MW1। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, MW1 जो है अपनी स्टडीज की वजह से थोड़ा सा बिजी रहेंगे, सो मे बी ही वोंट बी एबल टू प्ले एवरी सिंगल टूर्नामेंट, बट ही स्टिल पार्ट ऑफ द टीम। बट डेथमेकर की जरूरत जब पड़ेगी ही विल ऑलवेज बी देयर। और ये लाइनअप अब और ज़्यादा डेडली हमको नजर आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में। अंटिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकॉन ताकि आने वाले कोई भी कंटेंट आप मिस ना करें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।